फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं साउथ इंडियन फिल्म तेलुगु मूवी तीखा यानी रॉकेट राजा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डिटेल्स। तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों में से ही किन्हीं दो लोगों की रिक्वेस्ट पर है। एक का नाम है रामचरण और एक का नाम नहीं पता। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग किसी मूवीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ अपना नाम जो है आपका नाम जरूर कमेंट किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रॉकेट राजा तीखा जो मूवी है ये बॉक्स ऑफिस पर 13 अगस्त 2016 को रिलीज हुई थी। ये एक तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स की रेटिंग मिली थी। इसको तेलुगु में तीखा के नाम से रिलीज किया गया था और हिंदी में जब डबिंग हुई थी तो इसको हिंदी में रॉकेट राजा के नाम से लॉन्च किया गया था। इस फिल्म को सुनील रेड्डी ने डायरेक्ट किया था। इसके जो प्रोड्यूसर है वो है रोहिन रेड्डी। इसमें साई धर्म तेज, लरीसा बोनेसी और मनारा चोपड़ा लीड रोल में नजर आए थे। अगर कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म का बजट था 20 करोड़ रुपीस का। बजट की बात करें 20 करोड़, और कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो था 7 करोड़ रुपीस का। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि रॉकेट राजा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिव्यूज इतने अच्छे नहीं मिले थे। और अगर मैं इन शॉर्ट इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं, हाल ही में मैंने ये मूवी टेलीविजन पर देखी थी। इसमें जो लीड एक्टर है साई धर्म तेज, वो एक बहुत ही चुलबुले टाइप के लड़के होते हैं, मतलब यानी बहुत ही लाइफ को एंजॉय करने वाले लड़के होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उनकी जो मुलाकात होती है फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है, मतलब एक लड़की से होती है एक एक्सीडेंट के दौरान, और वो वहीं पर पहली नजर में ही उस लड़की से प्यार करने कर बैठते हैं। और जो वो चाहते हैं कि जो लड़की भी है वो भी उनसे प्यार करे, और फिर लड़की भी उनसे प्यार करने लग जाती है। और जब लड़की उनके लाइफ में एंट्री करती है उसके बाद साई धर्म तेज अपने लाइफ में जो भी गलत आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, वो सब काम छोड़ देते हैं और एक अच्छी जॉब की तलाश में लग जाते हैं। बेसिकली यही सब मूवीज की स्टोरी है। और अचानक कुछ ऐसा होता है, अगर आप गलत फहमी कहें या कुछ भी कहें तो कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच कि दोनों का आपस में ब्रेकअप हो जाता है। कुछ इसी तरह की फिल्म की स्टोरी है, मैंने हाल ही में मूवी देखी थी। चलिए, ये हुई स्टोरी की बात, कलेक्शंस की बात। अब इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं और 5ों जो गाने थे उसको एस थमन ने कंपोज किया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।